सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप देख रहे हैं कि सावी और सई अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर चुके हैं। सई नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में विराट या उसके परिवार की कोई भी दखलंदाजी हो और इसीलिए वो अपनी पहचान बदल कर एक नए अंदाज में रह रही है अलग अपनी बेटी सावी के साथ। इसी के साथ आप देखेंगे कि विनायक से मिलने के बाद जब मेडिकल कैंप के ख़त्म होने का वक्त आ जाएगा तो सावी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि विनायक उससे दूर जाए, क्योंकि अब सावी और विनायक की एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, बिल्कुल भाई बहन की जिस तरह। तो इसी वजह से सावी नहीं चाहती कि विनायक इतनी जल्दी उसे छोड़कर जाए, और जब विनायक अपने घर पहुंच जाएगा तो फ़ोन पर सावी उससे बात करेगी, तब उसे विनायक के घर के बारे में पता चलेगा कि विनायक कहाँ रहता है। वेल, यहाँ पर अब छोटी सी सावी अकेले ही इतने लंबे सफ़र पर निकलने वाली है इतने बड़े शहर में। विनायक को ढूंढते ढूंढते अब सावी पहुंच जाएगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए फाइनली चवन हाउस, यानी कि अपने खुद के घर पर। इस बात से अनजान है इस वक्त सावी कि जिस घर में वो जा रही है वो उसका भी है। वेल, वहीं सई बहुत परेशान है क्योंकि सावी अचानक से गायब हो जाती है। अब सई सोचती है कि आखिर सावी गई कहाँ होगी, जिसके बाद उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई जाती है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि भाई सावी तो निकल पड़ी है चवन हाउस की तरफ। कल अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सावी की ग्रैंड एंट्री चवन हाउस में किस तरह से होती है। सावी को देखकर पहली बात तो पाखी को बिल्कुल खुशी नहीं होने वाली। वैसे तो पाखी का जो ऑरा है वो हमेशा ही इतना नेगेटिव रहता है, लेकिन छोटी सी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं है पाखी को, उसके बावजूद भी वो सावी से बहुत रूखा व्यवहार करेगी। लेकिन घर के बाकी सभी मेंबर्स सावी को खूब प्यार देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सावी का होने वाला है चवन हाउस में एक धमाकेदार गृह प्रवेश। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब और कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल तुम है किसी के प्यार में की कहानी।